हम सब में कृष्ण। मैं भी कृष्ण हूँ, कृष्ण ने कहा था। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। किस तरह रोहित मेहरा ने एक डेड प्लांट में जिंदगी भर दी थी, आखिर कैसे रोहित के सनलाइट वाले आइडिया से कृष दोबारा जिंदा हो गए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऑफिशियल मॉडर्न सुपर हीरो के बारे में, जिसे तैयार किया है डायरेक्टर राकेश रोशन की शानदार विजन ने। राकेश रोशन ने प्लान किया है कि वो क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ साइमल्टेनियसली डायरेक्ट करने वाले हैं और ऑडियंस को मिलेगी एक बहुत ही शानदार सुपर हीरो मूवी, वो भी बहुत ही लंबे समय के गैप के बाद। क्रिश 3 मूवी के एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुई थी और सभी फैंस को बेहद पसंद भी आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा था कि आखिर सिर्फ सनलाइट से क्रिश को जिंदा कैसे किया रोहित मेहरा ने। क्रिश 3 मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह रोहित अलग अलग मिरर्स को एक परफेक्ट एंगल पे सेट करते हैं और एक पिवट पॉइंट से आ रही सनलाइट इन सभी मिरर्स से रिफ्लेक्ट होकर रोहित के डिज़ाइन किए गए डिवाइस से गुजरते हुए एक डेड प्लांट के ऊपर लगती है और उस प्लांट में फिर से जान आनी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी डिवाइस से निकल रही सनलाइट का ओवरफ्लो होने की वजह से वो प्लांट पूरी तरीके से जल जाता है। अब ये तो चलो समझ भी लिया जाता है कि क्योंकि प्लांट के लिए सनलाइट की नेसेसिटी होती है और उसके इस्तेमाल से रोहित ने उसमें एनर्जी फिलअप की, लेकिन रोहित ने सेम तरीके से कृष्णा को भी जिंदा किया क्योंकि कृष्ण के पास जो भी पावर्स थी वो सभी पावर्स उसे रोहित मेहरा से ही मिली थी। और ये बात हम सब जानते हैं कि रोहित को वो सब पावर्स उनके एलियन दोस्त जादू ने दी थी। अगर आपको कोई मिल गया मूवी याद है तो उसमें दिखाया गया है कि जादू को अपनी शक्तियाँ सनलाइट से मिलती हैं और उसी से जादू की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ती हैं, और यही असली कारण है कि सनलाइट से क्रिश के अंदर मौजूद पावर्स एक्टिवेट हो गई और उनके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भरपूर एनर्जी भर दी, जिस वजह से क्रिश सिर्फ जिंदा ही नहीं हुए बल्कि पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर भी बन चुके थे। सभी फैंस को इंतजार था क्रिश के पास और पावर्स होते हुए देखने का, और इस सीन के बाद हमारे क्रिश को मिली एक बहुत ही स्पेशल पावर और वो थी फ्लाइंग पावर। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ के साथ। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक ने।